हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आप देख रहे हैं फोर्स सी यानी कि एजुकेशन फोर सी में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों आज का जो टॉपिक है मेरा ब्रिक ब्रिक के पीछे ब्रिक के इस टॉपिक के मैंने आपको एक वीडियो और बताया था जिसमें मैंने इसकी कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं सॉइल में और हमें क्या क्या कितने परसेंटेज में देना होता है टू मेक अ गुड क्लास ऑफ ब्रिक। अभी उससे मैं आगे बात करूंगा कि इसमें कुछ हार्मफुल जो भी सॉइल होता है मेरा, ऐसा नहीं कि उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे ही होते हैं फॉर ब्रिक, जो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट भी होते हैं आज मैं उसके बारे में बात करूंगा और कुछ नोट्स बताऊंगा आपको जो कि आपसे इंटरव्यू में मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नोट्स मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले नोट्स उसके बाद मैं हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा। पहला जो है वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी मशीनरी इज अप्रोक्सीमेटली 1800 kg, यानी कि 1 मीटर क्यूब जो भी आपकी वाल होती है 1 मीटर क्यूब में जो वेट ऑफ ब्रिक जो यूज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1800 kg यूज होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक मस्ट बी 19 cm by 9 cm by 9 cm। ये ब्रिक की साइज होती है। अगर मैं बोलूं कि कुछ ब्रिक इस प्रकार का होता है, ब्रिक कुछ इस तरीके का होता है, तो अगर ब्रिक का मैं बोलूं तो ये लेंथ 19 cm, ये हो गई 9 cm और इसकी जो हाइट होती है, अगर आपको मैं ब्रिक दिखा पाता यहाँ पे, मेरी ब्रिक है नहीं मेरे पास यहाँ पे। नंबर थ्री, वेट ऑफ 1 ब्रिक इज इन द रेंज ऑफ 3 kg to 3.5 kg। 1 ब्रिक का जो वेट होता है वो 3 kg से लेकर के 3.5 kg के बीच में ही होता है, 3 से 3.5 के बीच में ये वेरी कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए या फिर 3 से कम भी नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट नंबर फोर, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक इज 20 cm by 10 cm by 10 cm। अभी मैंने आपको यहां पे बोला स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक मस्ट बी 9 cm by 19 cm by 9 cm। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक बोला। अभी मैं यहां पे बोला नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक इज 20 cm by 10 cm by 10 cm। ये दोनों में डिफरेंस 1 cm का क्यों आ रहा है? तो ऐसा इसलिए आ रहा है कि ये जो ब्रिक है विथ मोर्टार, ये जो ब्रिक है वो सिर्फ प्लांट्स जस्ट बना है और अभी रखा हुआ है कहीं पे भी, या आपके साइट पे रखा हुआ हो सकता है या फिर बगल में जहां कहीं पे भी
ये सिर्फ ब्रिक की साइज हो गई है। ये क्या है कि अभी हम इसे यूज कर चुके हैं अपने वॉल में, जहां पे भी आप ब्रिक यूज करना चाहते हो वहां पे आप यूज कर चुके हो, तो वहां पे क्या हो कि आपको मोर्टार लगाने पड़ेंगे। मैं मोर्टार वाली वीडियो में बताया था कि हम लोग मोर्टार की यूज करते हैं, तो वहां पे मोर्टार में हम लोग यूज कर चुके हैं, यानी कि ये सी जो थिकनेस 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर जाएगी। नंबर 5, कन्वेंशनल साइज ऑफ, कन्वेंशनल ब्रिक इज 23 सेंटीमीटर बाई 11.4 सेंटीमीटर बाई 7.6 सेंटीमीटर। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट थे आपको ब्रिक के बारे में। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, इसमें से कहीं से भी आपके एक एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही आसान है बट इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और आपके इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन जनरली आज पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, तो नेक्स्ट है हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल फॉर ब्रिक। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल फॉर ब्रिक। यानी कि सॉइल में जो भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उससे ब्रिक को क्या क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे मैं पहला बता दूं आपको, स्टोन एंड पेबल्स। स्टोन एंड पेबल्स अगर सॉइल में प्रेजेंट है और आप उस सॉइल को ही आप अगर ब्रिक बना रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा जो ब्रिक होंगे बहुत ही ज्यादा हार्ड रहेंगे। हार्ड कहने का मतलब जब इस पे लोड आएगा, लेट सपोज ये मेरी ब्रिक है, ये मेरी ब्रिक हो गई, ये मेरी ब्रिक है और इसमें कहीं पे स्टोन है। अब जब लोड आएगा इस पे, जब इस वाले स्टोन पे लोड आएगा, तो क्या होगा कि स्टोन अपनी जगह से डिविएट कर सकते हैं। डिविएट हो जाएगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि ये जो ब्रिक है वो इस तरीके से टूट जाएगी, मतलब ब्रेक कर जाएगी। ब्रेक कर जाएगा तो क्या होगा कि हमें ये स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी स्ट्रक्चर वीक हो जाएगी। तो ये जो स्टोन होते हैं और स्टोन एंड पेबल्स हमारे जो भी सॉइल होते हैं उसमें नहीं होने चाहिए, अगर आप उस सॉइल से को ब्रिक में यूज कर रहे हो। नेक्स्ट, सब कुछ अल्कली होते हैं, अल्कली मटेरियल वो भी हमारे ब्रिक में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। नंबर 3, ऑर्गेनिक एंड वेजिटेटिव मैटर। ऑर्गेनिक और वेजिटेटिव मैटर भी प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ये क्यों नहीं होने चाहिए वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। ऑर्गेनिक एंड वेजिटेटिव मैटर होने से अच्छे हैं, क्योंकि अगर पहला मैं बोल रहा हूँ कि हार्मफुल है, बट अगर ये इनिशियली इनिशियली अगर ये प्रेजेंट है इनिशियली इफ इट इज प्रेजेंट
in brick, then it is good for brick. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इनिशियली अगर ये ब्रिक में सॉइल में यानी कि प्रेजेंट है तो गुड फॉर ब्रिक। वो क्या करते हैं कि जब ये प्रेजेंट होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गेनिक एंड वेजिटेटिव मैटर, तो ये क्या बर्न करने में सॉइल को, जब हम लोग बर्न करते हैं ब्रिक बनाने के बाद उसे जब हम पकाते हैं तो ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है, इनिशियली ये हेल्प करता है। इफ एनी परसेंटेज ऑफ वेजिटेटिव मैटर इज प्रेजेंट ऑन द बर्न्ड ब्रिक, अगर बर्न्ड ब्रिक में अगर कुछ भी परसेंटेज में अगर वेजिटेटिव मैटर मेरा अगर प्रेजेंट रह जाता है तो क्या होता है उस सिचुएशन में कि वो डिकम्पोज धीरे धीरे होना स्टार्ट करता है। अब क्या है कि ब्रिक को हम यूज कर लिए अपने स्ट्रक्चर में और वो क्या हो जाएगा फिर धीरे धीरे क्या होता है कि डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे स्ट्रक्चर में भी वीक और में भी कोलैप्स, ये भी कारण होते हैं जिसके कारण ये मेरी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है जो कि नहीं होने चाहिए ब्रेक में। दोस्तों इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा ही कराता रहता हूँ इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे आप नए हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।